फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चली है और साथ ही जो खरीदारी है उसको लेकर भी लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कुछ ही दिनों में धनतेरस और दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस और दिवाली पर लोग जमकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कार खरीदते हैं। भारत में प्रदूषण को कम करने और पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए सरकार लोगों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने की गुजारिश कर रही है। इस फेस्टिव सीजन लोगों को ईवी कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई बैंक अपने ग्राहकों को इन कारों की लोन की ब्याज दर पर भारी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक जैसे कई बैंकों के नाम शामिल है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार बायर्स यानी कि जो लोन की ब्याज की दर में छूट के साथ साथ सरकार टैक्स में भी एक्स्ट्रा छूट दे रही है। इससे टैक्स पेयर को बड़ा लाभ मिलेगा। टैक्स छूट मिलने के कारण कई लोग अपनी पेट्रोल डीजल कार को अपग्रेड करके इलेक्ट्रिक कार में बदलना चाहते हैं। एक तरफ ग्राहकों को लोन और ब्याज दर में छूट तो मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईवी कार लोगों के लिए लंबे वक्त में बहुत किफायती साबित होती है, लेकिन उन्हें महंगे पेट्रोल और डीजल खरीदने से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही नियमित पेट्रोल डीजल की कारों की तुलना में ईवी कारों के रखरखाव और देखभाल में कम पैसों की जरूरत पड़ती है। बैंक अपने ग्राहकों को 10 से 30 बेसिस पॉइंट की छूट इलेक्ट्रिक कार पर दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार पर 0.25% की एक्स्ट्रा छूट कार लोन पर दे रहा है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईवी कार की खरीद के लिए SBI ग्रीन कार लोन ऑफर दे रहा है। इसके लिए ग्राहकों को कार लोन पर 0.20% की छूट मिल रही है। ऐसे में ग्राहकों को बैंक 7.95% से लेकर 8.30% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। SBI से ग्रीन कार लोन लेने पर आप उसका रिपेमेंट 3 से 8 साल के बीच में कर सकते हैं। वहीं एक्सिस बैंक ग्राहकों को लोन रिपेमेंट करने के लिए 7 साल का वक्त देता है। वहीं ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों से ईवी कार लोन पर किसी तरह का पेमेंट नहीं लेते हैं। वहीं बैंक इस तरह के लोन के लिए 0.2% से लेकर 2% तक प्रोसेसिंग फीस ग्राहकों से वसूलते हैं। देश भर में लगभग हर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब IS संख्या को और बढ़ाने के लिए वाहन निर्माता कंपनी अल्ट्रा वायलेट अगले महीने 24 नवंबर को भारत में अपनी एक नई इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने वाली है। अल्ट्रा वायलेट ने हाल ही में इलेक्ट्रिक सिटी बैंगलोर में स्थित अपनी निर्माण सुविधा में F77 का उत्पादन परीक्षण शुरू किया था। कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक को चरणबद्ध रूप से पहले बेंगलुरु में लाएगी। इसके बाद कंपनी इस बाइक को अमेरिका और यूरोप में भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, द VOB इंडिया।